हेलो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे अबाउट दी सीवेज तो इन द प्रीवियस वीडियो हमने देखा कि क्या होता है डोमेस्टिक सीवेज इंक्लूड था इंडस्ट्रियल सीवेज इंक्लूड था ऑल्सो दी स्ट्रॉन्ग वाटर भी हमने इंक्लूड किया था अब ये जो सीवेज है ये किन से पास होता है मतलब इन सीवेज को हमें क्या करना है इनका डिस्पोजल करना है तो डिस्पोजल के लिए डिस्पोजल साइट तक हम इन्हें कैसे पहुंचाते हैं इसके लिए हम यूज करते हैं सीवर्स का आज हम किन की बात करेंगे सीवर्स की तो वाटर को डिस्पो वाटर के डिस्पोजल के लिए उन्हें डिस्पोजल साइट तक पहुंचाने के लिए हमने हम किन का यूज करते हैं सीवर का यूज करते हैं तो सीवर क्या होती है इट इज जनरली रिफोर्स टू सिस्टम ऑफ अंडरग्राउंड पाइप्स सीवर्स हमारी क्या होती है अंडरग्राउंड पाइपलाइंस आ, का एक प्रॉपर सिस्टम होता है कि ये कलेक्ट है, 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 करते हैं कलेक है. तो अगर किसी इंडस्ट्री से वेस्ट निकल रहा है तो आप उसको कलेक्ट करेंगे अगर हाउस होल्ड वेस्ट निकल रहा है डोमेस्टिक वेस्ट तो उसको कलेक्ट करेंगे देन जब ये वेस्ट हमारा कले, कलेक्शन मतलब इन सीवर्स के थ्रू ये कलेक्ट होके कहा जा रहा है हमारा ट्रीटमेंट के लिए आगे जाता है तो सीवर्स हमारी बेसिकली क्या है सीवर इज सिस्टम ऑफ वी कैन सेंडर अंडरग्राउंड पाइपलाइंस या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जिनको की डिजाइन किया जाता है सीवेज के कलेक्शन के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए अब ये सीवेज हमारा क्या है वेस्ट वाटर हो सकता है स्टॉम वाटर हो सकता है तो हम कह सकते हैं कि सीवे जो हमारी सीवर्स हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर है जिन्हें डिजाइन किया गया है कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट वाटर के लिए और स्टॉम वाटर के लिए अब ये जो सीवर है ये क्या क्या कैरी करेंगी तो हमने देखा था कि तीन तरह से हमने वेस्ट को कैटेगराइज किया था सीवेज को कैटेगराइज किया था तो सीवर हमारी क्या क्या कैरी करती हैं फर्स्ट हमारा कौन सा वेस्ट डोमेस्टिक वेस्ट को कैरी करती हैं देन इंडस्ट्रियल वेस्ट को कैरी करती हैं एंड स्ट्रॉ वाटर सीवर्स भी बनाई जाती हैं। तो ये एक पूरा आ, हम कह सकते हैं पाइपलाइन का सिस्टम है जो कि डिजाइन किया जाता है वी इंजीनियर्स हमारा काम ही है कि हम इन प्रॉपर पाइपलाइन को सीवर्स को डिजाइन करें ताकि हम क्या करें प्रोपरली डोमेस्टिक सीवेज को कलेक्ट करें देन इंडस्ट्रियल सीवेज से जो जो इंडस्ट्रीज से इंडस्ट्रियल सीवेज निकल रहा है उसको कलेक्ट करके आगे ट्रांसपोर्ट करें और जैसे ही बारिश होती है तो बारिश के लिए भी आपने देखा होगा कि रोड्स के ऊपर भी कई जगह स्क्रीन लगी स्क्रीन नहीं होती है एक्चुअली द मेजर फॉर्म ऑफ स्क्रीन होती है कैप्स के फॉर्म में होती हैं जिनके थ्रू क्या होता है वाटर नीचे पास हो जाता है और ऊपर हमारा जो सॉलिड प्रोडक्ट है जो कचरा एंड ऑल होता है वो सॉलिड वेस्ट ऊपर ठहर जाता है ना लाइक पॉलिथिन एंड जो भी पानी के साथ बहती हुई चीजें आई हैं वो वहां पर होल्ड कर जाएंगे रिमेनिंग क्योंकि वो स्क्रीन होती है तो पानी उनसे नीचे पास हो जाता है और हमारी जो रोड्स होती है उनके अंदर क्या होता है अंडरग्राउंड सिस्टम होता है समटाइम्स अंडरग्राउंड चैनल्स होते हैं अंडरग्राउंड सीवर्स होते हैं जिनके थ्रू पानी को क्या ले, आगे क्या किया जाता है ट्रांसपोर्ट किया जाता है इस वाटर को तो इस तरह से हमारी सीवर जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल होती है और इनकी डिजाइनिंग हम करते हैं अब बात करें इस डोमेस्टिक वेस्ट की तो हम जैसे हमने जब हम वाटर की स्टडी कर रहे थे इन द प्रीवियस यूनिट तो हमने देखा था कि वाटर में भी जो हमारी डिमांड है उसका वेरिएशन हमने पढ़ा था तो वहां हमने उसको क्या नाम दिया था डिमांड वेरिएशन अब यहां पर जो हमारा वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है इसको हम क्या बोलेंगे डिस्चार्ज क्योंकि ये बाहर निकल रहा है आपका वेस्ट प्रोडक्ट है तो इसको हमने नाम दिया डिस्चार्ज और इस डिस्चार्ज का भी वेरिएशन हम समझ सकते हैं जैसे हमने वाटर सप्लाई में वाटर uh, डिमांड के बारे में पढ़ा था कि कुछ आर्स होते हैं उनमें डिमांड वाटर की क्या होती है बढ़ जाती है जैसे अर्ली मॉर्निंग हम सभी स्कूल कॉलेजेस जाते हैं तो हमने देखा था कि वहां पर डिमांड बढ़ गई उसी तरह ये जो डिस्चार्ज है ये डिस्चार्ज भी हमारा क्या करता है आर्ली वेरिएशन इसमें हो सकता है या फिर सीजनल वेरिएशन हो सकता है जैसे स्ट्रॉम वाटर स्ट्रॉम वाटर आपका पूरे सीजन में तो आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग वाटर प्रोड्यूस होता नहीं है जब बारिश का सीजन आता है रेनफॉल होती है तभी हमारा क्या होता है मेजर अमाउंट ऑफ स्ट्रांग वाटर प्रोड्यूस होता है जिसके लिए हमें सीवर डिजाइन करनी होती है बट ऐसा भी नहीं कर सकते कि सिर्फ एक सी मतलब एक सीजन के लिए हमने सीवर को यूज किया एंड बाकी टाइम उसे हम यूजलेस छोड़ दिया क्योंकि क्या होगा कि उसमें हमारे कचरा जो भी है वेस्ट प्रोडक्ट वो अगर खाली है स्ट्रांग वाटर नहीं जाएगा तो वो चोक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है तो इसीलिए हम इस तरह से डिजाइन करते हैं कि हम उसके वेरिएशन को सबसे पहले समझते हैं कि ये जो स्ट्रॉन्ग वाटर है ये सीजनल सीजन के अकॉर्डिंग ही प्रोड्यूस होगा गर्मियों में में भी आपका स्ट्रॉन्ग वाटर प्रोड्यूस ना हो बट जब बारिश का सीजन आएगा तो आपका क्या होगा स्ट्रांग वाटर ज्यादा प्रोड्यूस होगा डोमेस्टिक सीवेज तो आपका हमेशा ही निकलेगा लेकिन इसमें भी क्या होगा आर्ली वेरिएशन होगा अब कैसा वेरिएशन तो अगेन अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें टाइम एंड डिस्चार्ज के बीच में तो हमें देखना है कि इस डिस्चार्ज में कैसे वेरिएशन हो रहा है तो आप देखेंगे मान लेते हैं कि सिक्स ए एम का डेटा हमने रिकॉर्ड किया देन हमने दिन के बजे का रिकॉर्ड किया और हमने रात के बारह का डेटा रिकॉर्ड किया तो हमें जो वे डिस्चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है उसमें कुछ वेरिएशन दिखा लाइक सुबह सिक्स ए एम हमने देखा था कि वाटर की डिमांड भी इस टाइम पे क्या होती है पीक डिमांड होती है क्योंकि मैक्सिमम लोग सुबह क्या करते हैं वॉशिंग करते हैं क्लोथ की वॉशिंग करते हैं आपने घरों को साफ करते हैं और जो ह्यूमंस है ये अपना बाथ के लिए वाटर को यूज करते हैं तो डिमांड जो है अर्ली मॉर्निंग मैक्सिमम होती है तो जब डिमांड मैक्सिमम है आपका वेस्ट प्रोडक्शन भी क्या होगा स्टूडेंट्स मैक्सिमम होगा सुबह सिक्स ए एम तो हम इसको कुछ इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं कि हमारी पीक जो डिस्चार्ज है वो हमें सुबह छह बजे दिखा क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ह्यूमन वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है राइट right. इसके बाद अगेन आपने वॉशिंग की तो आपने घरों को वॉश किया तो वो वेस्ट आपका निकला सुबह आपने फूड प्रिपेयर किया तो आपका डोमेस्टिक वेस्ट किचन वेस्ट के फॉर्म पे निकला तो इस तरह से अर्ली मॉर्निंग हमें सबसे ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होते हुए दिखा देन इसका अमाउंट क्या हुआ बारह पीएम तक ट्वेल्व पीएम तक कुछ रिड्यूज हो गया राइट right. क्योंकि अब क्या होगा सब अपने ऑफिस ए स्कूल कॉलेजेस में मूव कर जाएंगे एंड हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कुछ अमाउंट ऑफ कम होगा देन अगेन क्या होगा इस वेस्ट में हमें डिस्चार्ज uh, में हमें वेरिएशन देखने मिलता है अगेन ये हमारा बढ़ता है एंड uh, रात में 12 एम की बात करें तो यहां आते-तक हमें फिर इसमें रिडक्शन देखने मिलता है क्योंकि दिस टाइम आफ्टर 12 एवरीवन एवरी ह्यूमन बीइंग इज गोइंग टू स्लीप तो सब सो जाते हैं तो उस टाइम हमारा क्या होता है 12 बजे के बाद पानी का यूटिलाइजेशन भी कम हो जाता है और जो हमारा डिस्चार्ज है वो भी हमारा कम प्रोड्यूस होता है तो हमने देखा कि इस तरह से ये अर्ली वेरिएशन हमें देखने मिलता है राइट right. अब हम सीजनल वेरिएशन को भी समझ सकते हैं तो जो हम ये स्टॉर्म वाटर की बात कर रहे हैं हम देखेंगे कि जब हमारा बारिश का सीजन होगा तो मैक्सिमम हमारा क्या होगा पीक स्ट्रॉम वाटर वहां पे प्रोड्यूस होगा इन अदर सीजन कभी कभी रेनफॉल होती है आप सभी जानते हैं कि कभी अचानक से रेनफॉल हो जाती है तो ये जो अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग वाटर है ये कम प्रोड्यूस होगा बट हमने स्ट्रॉन्ग वाटर को कंसिडर क्यों किया है क्योंकि अगर स्ट्रॉम वाटर सीजन में मैक्सिमम पीक पे बारिश होती है तो फ्लड की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है तो हमें इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना डिजाइन करना इसके लिए सीवर डिजाइन करना जरूरी होता है तो इसी तरह इंडस्ट्रीज में भी हमें वेरिएशन देखने मिल सकता है तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्चार्ज वेरिएशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट सीवेज वी कैन से तो इस तरह से जो वेरिएशन हमें मिला इनके बेस पे हम क्या करते हैं सीवर्स को भी डिजाइन में भी हम इसको कंसीडर करते हैं कि इतना वेरिएशन हो सकता है इसको ध्यान में रखते हुए हम सीवर की डिजाइन In the next video, uh, video, we will discuss more about the seiver or seiverid system. Thank you.